हाँ तो भाई मैं तो घर पे ही रहता हूँ ज्यादातर। हाँ अगर बंदी को फोन मार के वो ऊबर से बुला घर बुला लेता हूँ मैं तो। सो व्हाट द फर्स्ट थिंग कम्स इन योर माइंड व्हेन समवन सेज रेन? पकोड़े इट्स लवली मेस्मराइजिंग माय गॉड भारी वर्ड हैप्पीनेस भीगना रेन मींस टू मच फन टू मच एंटरटेनमेंट फॉर अस। बंदी को लो और निकल जाओ। वाओ भीग जाएंगे छाता नहीं लेके निकले। बारिश हो रही इतनी गर्मी के बाद और इतना अच्छा वेदर तो इट्स अ रोमांटिक। आई एम फीलिंग सो हैप्पी। टेल मी वन थिंग व्हिच यू लव अबाउट रेनी सीजन। लॉन्ग राइड पर बाइक पर साथ में अगर वाइफ है तो अच्छा है, अच्छी लाइफ है। स्मेल ऑफ द मड, स्मेल ऑफ मिट्टी की खुशबू, मिट्टी दी खुशबू। पकौड़े विद चटनी या चाय एंड चटनी या आई लाइक टू लाइक भजिया खाना ज्यादा पसंद आता है। भजिया खाना पसंद आता है। मौसम वैसा होता है तो दैट्स व्हाई। गीला बन पानी पानी गीला तन क्या गीला आई लाइक मतलब वेट भुट्टे। हाँ तो भाई मैं तो घर पे ही रहता हूँ ज्यादातर। हाँ अगर बंदी को फोन मार के वो ऊबर से बुला घर बुला लेता हूँ मैं तो। आई लव वॉकिंग डाउन इन अम्ब्रेलास। आई लव टू मच दिस। मुझे बारिश में चलना पसंद है। व्हेन आई वाज इन क्लास 4th और 5th बैक देन एंड समटाइम्स इट यूज्ड टू रेन इन द मॉर्निंग एज वेल एज ड्यूरिंग द आफ्टरनून व्हेन आई यूज्ड टू कम बैक। तो जाना भी बारिश में होता था, कभी कभी भीग के बैठ जाते थे क्लास के अंदर और कभी कभी वापसी में आते थे तो काफ़ी अच्छा लगता था। मतलब द स्मेल ऑफ दैट लाइक सॉइल मिट्टी की खुशबू जो आती है ना वो टेक्निकल टर्म है ना। वन थिंग व्हिच यू हेट अबाउट रेनी सीजन? वाटर क्लॉगिंग ऑन द रोड्स। आई डोंट लाइक रेन। यू डोंट लाइक रेन? कीचड़ है पूरा, पैर गंदा हो जाता है, मेरा वाइट शू ब्लैक हो जाता है सो इट्स बैड। इंडिया में जो कीचड़ हो जाता है ना गिचपिच गिचपिच कीचड़ कीचड़ एंड कीचड़ डैश कीचड़ या सेम कीचड़ कीचड़ या राइट। ऑफिस ऑफिस जाओ तो दिक्कत पड़ती है यार, जाम लग जाता है सारा टाइम, टाइम बहुत वेस्ट होता है। आई मीन नो गुड़गांव का ट्रैफिक, गुड़गांव का ट्रैफिक। वाटर लॉगिंग इन द रोड्स दैट्स टू मच इरिटेट मी। ओके कीचड़ चप चप कीचड़ या लाइक कीचड़ ऑब्वियसली चप 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 इंडिया में ऐसा क्या है कि बारिश होती है ना सारे रोड हमारे स्विमिंग पूल बन जाते हैं। ठीक है तो क्या गलत हो रहा है हमारे इंडिया एडमिनिस्ट्रेशन में जिसकी वजह से हो रहा है? बारिश का टाइम आ चुका है तो उनको ड्रेनेज सिस्टम ओके करना चाहिए, चेक करना चाहिए, प्रिवेंशंस लेने चाहिए, तो इस तरह की चीज़ें नहीं होंगी। हमारा है लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी, लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के साथ या लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी है तो हर एक डिपार्टमेंट है जिसके बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है। हर कोई रोड खोद एक दिन रोड डालता है कोई और दूसरा डिपार्टमेंट उसी को खोद देता है केबल लेके करने के लिए। सड़कें ये तेरी सारी ब्रोक ब्रोक, ब्रोक, ब्रोक। गलियों की नालियां भी चोक चोक, चोक, चोक। There is no proper administration, ना कोई proper सीवेज है ना कुछ है, ऊपर से ना citizens के लिए proper awareness है। हमें पता नहीं exactly कहाँ क्या डालना है, लोग ऐसी सीवर में प्लास्टिक की चीजें डाल रहे तो obviously ब्लॉक होगा। कपिल मिश्रा उस आरोप लगाता रहेगा कि तू गलत है मैं गलत हूँ, बस काम नहीं हो पा रहा। बस हमारी प्लानिंग गलत होती है हमेशा, मतलब हम प्लानिंग उस टाइम करते हैं जब हमें दिखता है कि पानी जमने लग गया, वाटर लॉगिंग आने लग गया, तब हम खुदाई करना स्टार्ट करते हैं। तो यार देखो सिटीजन की जब भी कोई भी काम होता है अच्छा होता है बुरा होता है ये ताली मुझे लगता है ऐसे दोनों हाथ से बचती है तो ठीक है। हमारी साइड से भी प्रॉब्लम है, उनकी साइड से भी प्रॉब्लम है, हमें भी ये है कि थोड़ा सा साफ सफाई रखेंगे तो ब्लॉकेज नहीं होंगे, रोड्स ब्लॉक नहीं होंगे, नालियाँ बंद नहीं होंगी तो पानी वगैरह इधर उधर नहीं होगा, तो ये हमें भी ध्यान रखना चाहिए। जो कॉन्ट्रेक्टर है उसको भी रिस्पॉन्सिबल रहना चाहिए एंड इवन एज अ सिटीजन यू शुड गो एंड आस्क क्यों हो रहा है ऐसा। बस अगर देख रहे पानी गिर रहे चलो चलो जाके साफ करें, इट्स नॉट लाइक दैट। Even you should question, you should start.